हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लैक एंड सिल्वर टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड करेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 14 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 8 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 10 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं माइनस 10 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो परफेक्ट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 21 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं प्लस 14 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर ले जाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 64 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम माइनस 100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 20 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम माइनस 100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम माइनस 100 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम माइनस 100 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम माइनस 100 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। तो गाइस, इस पर क्लिक करेंगे एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाएंगे। ठीक है, तो गाइस, इसकी ह्यू है 226 एंड सेचुरेशन है 49 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा लाइटिंग है। ठीक है, तो इसे रखते हैं प्लस 14 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। तो ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 64 एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 39 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फोटो की लाइटिंग को हम परफेक्ट रूप से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 8 एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो शैडोज की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 10 एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 11। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 26 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा और ब्लैक टोन आए। ठीक है, तो इसे रखते हैं प्लस 10 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर ले जाएंगे। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम
-45 एंड यहाँ से मेट फंड की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो मेट फंड की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +35 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +64। अब हमारी फोटो को हम साइनिंग एंड स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल को ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो की साइनिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा लगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं 24 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 16 एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ ही स्टेप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।